आनंद का विश्व की समरसता, विश्व की कल्याण और शांति की स्थापना का संदेश एक बार फिर से गुंजायमान होता हुआ। कुछ तो है, कुछ तो खास है इस राष्ट्र में जो परब्रह्म परमात्मा को अपनी गोद में आकर्षित कर लेता है। कुछ तो खास है इस अयोध्या धाम में जो निर्गुण निराकार परब्रह्म को सगुण साकार बना देता है। कुछ तो खास है इस राष्ट्र की धूल में, इस राष्ट्र के अन्न में जो मां कौशल्या के गर्भ में उस राम को उत्पन्न कर देता है पुत्र के रूप में और उनकी गोद में पुत्र के रूप में परब्रह्म को खेलने पर विवश कर देता है। कुछ तो खास है इस राष्ट्र में जो भक्तों की भावना के अनुरूप अनंत अनंत रूप में भगवान अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। राम सबके हैं, राम सर्वत्र हैं और इसीलिए आज एक ऐसे ही अद्भुत अलौकिक स्वरूप में, बाल रूप में 5 वर्ष के राघव अब अपने भक्तों को नए नवीन नूतन दर्शन के लिए पधार चुके हैं। स्वागत कीजिए भगवान श्री राम का इस नए अवतार में, आज के इस अलौकिक दिव्य द्वादशी के तिथि में, जब कूर्म अवतार का दिन आज भगवान श्री राम ने एक बार फिर से अवतार लिया। धरा धाम, अयोध्या धाम, सरयू सब कुछ प्रसन्न, आनंदित, उल्लसित और अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यहाँ पर पहुँचे हुए संत समाज का, आम जन का, जनता जनार्दन का, विशिष्ट अतिथियों का, आज अयोध्या धाम में भगवान श्री राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम इस मायने में भी विलक्षण है क्योंकि समूची भारत की सारी परंपरा, सभी धर्म संप्रदाय, मत, पंथ सबका यहाँ पर सम्मिलन हुआ है। एक यहाँ पर ऐसा समागम हुआ है जो सनातन संस्कृति के शाश्वत स्वरूप को स्थापित करता है। यहाँ पर शैव, वैष्णव, शाक्त, पत्य, गणपत्य, सिख, बौद्ध, जैन, दशानन, दशाशंकर, रामानुजाचार्य संप्रदाय, निम्बारका संप्रदाय, विश्वनामी संप्रदाय, राम स्नेही संप्रदाय, पंथों में घीसा पंथ, गरीबदासी, गौड़िया, कबीर पंथी, वाल्मीकि पंथी, धार्मिक संगठनों में अनेकानेक विश्व कल्याण में लगे हुए, भारत निर्माण में लगे हुए संगठनों के प्रतिनिधि, महिमा समाज, अकाली, निरंकारी, राम नामधारी, राधा स्वामी, वर्करी, वीर शैव, हर कोई भारत की समस्त मत पंथराय की जो अलग अलग धाराएं हैं वो आज उनका यहाँ पर समागम हुआ है, आज उनका यहाँ पर संगम हुआ है और पूरी दुनिया चकित रूप में देख रही है कि किस तरीके से वैविध्य में एकता का प्रमाण, विविधता में एकता का प्रमाण, बहुरंगी सतरंगी विविध रंगी संस्कृति का आज यहाँ पर सम्मिलन हुआ है और पूरी दुनिया उल्लासित है। संभवतः इसीलिए कहा गया है कि मैं एक बिंदु परिपूर्ण सिंधु, यह मेरा हिंदू समाज, मेरा इसका संबंध अमर, मैं व्यक्ति और यह है समाज, इससे मैंने पाया तन मन, इससे मैंने पाया जीवन, मेरा तो बस कर्तव्य यही, सब कुछ कर दूं इसको अर्पण, मैं तो समाज की थाती हूँ, मैं तो समाज का सेवक हूँ, मैं तो समष्टि के लिए व्यष्टि का कर सकता बलिदान अभय, हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। तो निश्चित तौर से एक जो हमारी सनातन संस्कृति का प्रतीक है वो आज पूरी दुनिया देख रही है इस परम अयोध्या धाम से। वर्षों की तपस्या पूर्ण हुई इस राष्ट्र की, कई वर्षों की तपस्या पूर्ण हुई है उन संतों की जो लगातार भगवान श्री राम के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करते रहे। तपस्या पूर्ण हुई है स्वयं प्रधानमंत्री की जो लगातार पिछले 11 दिनों से विशेष उपवास अनुष्ठान में है। उनकी प्रतिज्ञा पूर्ण हुई क्योंकि वो विशेष तौर पर श्रीरंगम और श्री रामेश्वरम से खुद भगवान श्री राम के लिए उपहार लेकर के आए और उपहार तो समस्त देश से यहाँ पर पहुंच रहे हैं। कोई रामलला के लिए भोग न्यौछावर कर रहा है तो कोई उनके पोशाक तैयार कर रहा है, कोई उनके लिए हीरे जवाहरात भेज रहा है, तो जनकपुर और मिथिला वाले भार भेज रहे हैं, उस भार में सोना है, चांदी है, भाव है, भंगिमा है, प्यार है, दुलार है, संस्कार है। तभी तो भगवान श्री राम सबके हैं, सर्वत्र हैं और इसीलिए शायद ही कोई ऐसा राज्य हो इस राष्ट्र का जिसने भारत भूमि में अयोध्या धाम में भगवान श्री राम के नव्य और भव्य मंदिर के निर्माण में अपना योगदान न दिया हो। यहाँ पर पत्थर आते हैं राजस्थान से, कारीगरी होती है तमिलनाडु से, पच्चीकारी होती है उड़ीसा से,
श्रमजीवी होते हैं बिहार और उत्तर प्रदेश से, और जो प्राण प्रतिष्ठा होती है वो 140 करोड़ लोगों के जनमानस की भावना को केंद्र में रखकर राष्ट्र के अध्यक्ष, राष्ट्र के नेता प्रधानमंत्री मोदी स्वयं प्रतिष्ठित करते हैं भगवान श्री राम को चेतन स्वरूप में सभी के लिए, क्योंकि भगवान श्री राम सबके हैं, सर्वत्र हैं। और वही आह्वान उन्होंने किया है, वह आह्वान है कि भक्ति मुक्ति साधकम भारतम, धर्म कर्म नैष्ठिकम भारतम, रीति नीति संस्कृतम भारतम, शस्त्र शास्त्र धारकम भारतम, शक्ति